भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर। देश के अमृत काल की यात्रा हो गई है आरंभ। हमारे युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए हैं आतुर। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। साथियों, मैं अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं। यहां मध्याह्न भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज किचन का काम था, लेकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला। मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ, 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की। और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है।
कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे। हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम ले रहा हूं, कॉन्वोकेशन कर रहा हूं, क्या यही मेरा, मैं जिस पद पर हूं वही काम है? क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा, आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, तब मेरा देश वहां पहुंचेगा, मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा।